फाइनेंशियली देखो क्या बोलते हैं कि मतलब फैमिली में मेरे को बहुत तकलीफ है क्योंकि जब लास्ट टाइम से मेरे फादर गए हैं तो मेरे सर पे बर्डन फैमिली का भी पड़ गया है और मैंने उनको दो साल हो गए हैं तो हुआ। क्या हुआ था कि अभी रिसेंटली मतलब मैं एक चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो गया था एक टाइप का लगा लो डिप्रेशन टाइप भी हुआ था कि एक साइड से मैं घर पे देखूं अपने टैलेंट को करूं फिर मैंने सोचा चलो आज मैनेज ही कर लेते हैं एक बार ट्राई करके देखते हैं कि कैसा होता है और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा इतना शेयर कीजिएगा जो भी रेवेन्यू इस वीडियो का आएगा वो रेवेन्यू सीधा जो है रुद्र के खाते में जाएगा ये रुद्र से प्रॉमिस रहा और ये ज़रूर फायर मीडिया की कोशिश रहेगी कि रुद्र को ये प्रॉमिस पूरा करके हम देंगे कहना चाहता हूँ कि जितना आप सपोर्ट दिखा सकते हो मुझे दिखाओ मैं अपने जम्मू को रिप्रेजेंट करूँगा और मतलब इस जम्मू को अपने हाई लेवल पे पहुंचाना चाहता हूं। बस ये है कि घर वालों का ये है कि फाइनेंशियली घर पे घर पर इनकम का थोड़ा कमी थोड़ा मतलब दिक्कत है तो जिस वजह से मतलब मैं डिमोटिवेट होता हूं। इसी वजह से कॉलेज था मेरा मेरे को काफ़ी मैंने ट्वेल्थ में ज़्यादा मतलब स्टडी की थी तो मतलब ज़्यादा हाई परसेंटेज ली थी तो मेरे को ऑफर्स आए थे कॉलेज के इस वजह से घर के इश्यूज की वजह से मैंने कॉलेज अपना ड्रॉप कर दिया आपको मतलब काफ़ी कमेंट्स करेंगे कि ये बंदा ऐसे बोल रहा है ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको अपील करूंगा एक बार विजिट करना मेरे घर पे आप खुद वहाँ पे कंडीशन देखो मेरी मम्मा यहाँ तक रो पड़ती है कि वो खुद ये बोलेगी कि मेरे बच्चे को हाई मतलब इसको सपोर्ट दिखाओ इसको कराओ ताकि ये बंदा आगे थोड़ा कर सके आप खुद मेरी घर की कंडीशन सिचुएशन देखोगे ना आप खुद रो दोगे इतनी बुरी कंडीशन है नमस्कार आप देख रहे हैं फायर मीडिया और इस वक्त हमारे साथ तो फ्रेम में आपने जरूर देखा होगा कि रुद्र रुद्रें और लगातार रुद्र की सोशल मीडिया पे जो है काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल हो गई है और उसी पे आज रुद्र से खास बातचीत करेंगे आखिरकार शुरुआत जो है कहाँ से हुई है बीट बॉक्सिंग की और दिमाग में ये आइडिया आया तो आया कहाँ से जम्मू कश्मीरों में तो कलाकारों की जो है कोई कमी नहीं है उन्हीं में से एक रुद्र भी हैं आइए खास बातचीत करते हैं रुद्र से फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपने मुझे इन्वाइट किया है इंटरव्यू के लिए दिल से शुक्रिया तो ये स्टार्टिंग आपने बोला कि ये शुरुआत कहाँ से हुई शुरुआत असली में ऐसे हुई थी कि मतलब मैं अपने घर साइड पर मेरे घर पर एक पार्क था तो वहाँ पे काफ़ी मतलब आर्टिस्ट आते थे सिंगर गिटारिस्ट वगैरह तो वहाँ पे एक लड़का था जो मतलब फ़ोन रिकॉर्ड खोल के एक बीट्स कर रहा था तो मैंने सोचा चलो यार ये हर चीज़ सिंगिंग रैपिंग ये कॉमन हो गई है तो ये कुछ नई चीज़ थी तो मैं सोचा चलो आज जाते हैं उससे बात करते हैं तो जब मैं उसके पास गया तो वो असली में चीज़ कर रहा मैंने बोला स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था क्या था मैंने बोला ये बुच बुच ये भुच बिच ये क्या है बोला उसने बोला कि भाई ये बुज बुझ ये सब ऐसा कुछ नहीं है ये बीट बॉक्स बोलते हैं इसको तो मैंने बोला इसका क्या क्रेज़ है यहाँ पे बोलता यहाँ पे कोई क्रेज नहीं है असली में ये फॉरेन का मतलब ये कुछ है तो उधरी उधरी से किया तो मैंने बोला भाई यार मेरे को भी करना है तो उसने बोला कि भाई स्टार्टिंग ऐसा है कि तेरे को गले में बहुत पेन होगी अगर तू सीधा जंप करेगा बहुत पेन होगी तेरा थॉटल डैमेज हो सकता है बल्कि ये बात सच हुई थी मेरा थॉटल डैमेज हुआ था तो उसे बोला कि स्टार्टिंग में तेरे को बेसिक्स सीखने पड़ेंगे बेसिक्स कर देगा बेसिक्स करेगा कर क्योंकि हर चीज़ की एक बेसिक्स होती है जो कोई टीचर था आपका इसका कोई गुरु जो आपको सिखा रहा था ये सब चीज़ें या आपने खुद ही शुरुआत की या गुरु गुरु कहना है गुरु अगर है तो गुरु इस चीज़ पे था मेरे को कि जिसने मुझे स्टेज दिलाई जिसने मुझे बोला कि परफॉर्म का अपॉर्चुनिटीज दी तो वो उस टाइप के गुरु थे तो बाकी ये जो बीट बॉक्स था ये मैंने स्टार्टिंग में बेसिक्स सीखे फिर आगे के बीट्स जितने थे वो सारे मैंने खुद से खुद बनाए रुद्र वही कहूँगा अभी तो आपको लोग ज़रूरी जानते हैं कि सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस जो है इस वक्त चल रही हैं लेकिन रुद्र सुनने में ये भी आया है कि पहले जब आपने शुरुआत की थी आपको कई थ्रेट्स आई कई थ्रेट कॉल्स आई कि आप जो है इसे बंद कर दें आखिरकार क्यों जो है इस तरह की थ्रेट्स आपको मिली और क्या कहना चाहते हैं जो लोग आपको शुरू देख रहे हैं देखो अब थ्रेट्स की बात हुई है तो थ्रेट्स असली में बहुत मेरा बहुत पास बहुत गंदा गया सीरियसली बहुत गंदा गया था क्या हुआ था कि मतलब बीच में मैंने काफ़ी परफॉर्म किया था थोड़ा फेम मिल गई थी तो अचानक से मतलब क्या हुआ है कि मतलब काफ़ी लोगों के मुझे कॉल्स आई जिसने मुझे धमकियां दी थ्रेट्स दिए कि भाई तेरे को तू बाहर निकलेगा तुझे उठा लिया जाएगा तुझे ये करेंगे तो मेरे को तो ऐसा लगता है मैं इनको लाइटली लेता था मुझे लगता है कौन लेगा ऐसी ऐसी कोई मार नहीं सकता तो बट बर... अपने जम्मू शहर है जम्मू शहर हाँ तो 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 यहाँ पर तो कौन ऐसा करेगा बट क्या हुआ था मैं जब तब स्कूल टाइम था मेरा स्कूल में क्या था सीरियसली आप बिलीव नहीं करोगे बाहर गाड़ियाँ आई थी लड़कों से भरी तो मुझे उठाने की कोशिश की गई थी बट मैंने उस टाइम पे टीचर्स का सहारा लिया था जिस तरीके से करते करते मैं भागा था घर पे रुद्र पूछना चाहूँगा कि परिवार में कौन कौन है और इस वक्त क्या परिवार वाले किस तरह से आपको देख रहे हैं और क्या परिवार वाले सपोर्ट कर रहे हैं कि आगे किस तरह से आपको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है करियर बनाना है क्या करना है फाइनेंशली देखो क्या बोलते हैं कि मतलब फैमिली में, में मेरे को बहुत तकलीफ है क्योंकि जब लास्ट टाइम से मेरे फादर गए हैं तो मेरे सर पे बर्डन फैमिली का भी पड़ गया है और मैंने तो कब पापा की डेथ हुई उनको दो साल हो गए हैं तो क्या हुआ था कि अभी रिसेंटली मतलब मैं एक चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो गया था एक टाइप का लगा लो डिप्रेशन टाइप ही हुआ था कि एक साइड से मैं घर पे देखूं अपने टैलेंट को करूं फिर मैंने सोचा चलो आज मैनेज ही कर लेते हैं एक बार ट्राई करके देखते हैं कि कैसा होता है तो घर के अलग से मेरे को बर्डन पड़ गए थे कि कभी इनका भी देखना है फिर मेरे को अपने टैलेंट को भी आगे ग्रो करना है क्योंकि यार इस चीज़ को मैंने जहाँ तक सुना है इस टैलेंट्स को मतलब बंद जितना रखोगे उतना आप दबोगे जितना इसको आगे बढ़ाओगे उतना ही आपको और सेज -से दिलाएगा वही पूछना चाहूँगा फैमिली में है कौन कौन फैमिली में मेरी एक छोटी सिस्टर है जो टेंथ कर रही है और मेरी एक मम्मा है तो अभी फाइनेंशली आप ही जो है सपोर्ट कर रहे हैं हाँ सपोर्ट तो कर रहे हैं अब मैं यही यही मांग बोलता हूँ कि मतलब कि चलो कुछ मेरे को मिल जाए हाँ स्टेज मिले जिससे मतलब थोड़ा मतलब मेरे को भी घर पे थोड़ा घर वालों को लगे घर वाले तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं है क्या कहना चाहेंगे सब जम्मू कश्मीर की जनता आपको ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना आप सपोर्ट दिखा सकते हो मुझे दिखाओ मैं अपने जम्मू को रिप्रेजेंट करूँगा और मतलब इस जम्मू को अपने हाई लेवल पर पहुँचाना चाहता हूँ बस ये है कि घर वालों का ये है कि फाइनेंशियली घर पे घर पे इनकम का थोड़ा कमी थोड़ा मतलब दिक्कत है तो जिस वजह से मतलब मैं डीमोटिवेट होता हूँ आप कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं इसी वजह से कॉलेज था मेरा मेरे को काफ़ी मैंने ट्वेल्थ में ज़्यादा मतलब स्टडी की थी मतलब ज़्यादा पर, हाई परसेंटेज ली थी तो मेरे को ऑफर्स आए थे कॉलेज के इस वजह से घर के इशूज़ की वजह से मैंने कॉलेज अपना ड्रॉप कर दिया कॉलेज ड्रॉप कर दिया अपने ट्वेल्थ के बाद अब यही अपना बीट हाँ। बॉक्स कर रहे हैं और उसी के साथ जो अपनी सिस्टर आपकी सिस्टर को भी आप पढ़, हाँ, पढ़ रही हैं।, हैं और उसके बाद सिस्टर के लिए जो है आप कर रहे हैं वहीं रुद्र आपसे एक पूछना बात पूछना चाहूँगा जहाँ जम्मू कश्मीर में तो बड़े मंच हैं क्या आप मिलें किसी आर्टिस्ट से किसी और से जो आपको एक अच्छा मंच प्रदान करे कहीं ना कहीं अगर बात करें मैं खुद जो बीट्स आपकी सुनी है खुद आपकी बीट्स का फ़ैन हो गया इस वक्त और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रुद्र जम्मू कश्मीर को उस लेवल पे जो है रिप्रेजेंट कर सकता है क्योंकि कितना एक कलाकार के बीच में वो चीज़ें दिख जाती हैं जो देखने वाले को चाहिए होती हैं वो बीट्स आपकी बखूबी सोशल मीडिया पर लोग तो उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं सोशल मीडिया पर ये तो बात सही है बट देखो अगर मैं आपको एक चीज़ अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप मतलब काफ़ी कमेंट्स करेंगे कि ये बंदा ऐसे बोल रहा है ऐसे कुछ ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको अपील करूँगा एक बार विजिट करना मेरे घर पे आप खुद वहाँ पे कंडीशन देखो मेरी मम्मा यहाँ तक रो पड़ती है कि वो खुद ये बोलेगी कि मेरे बच्चे को हाई मतलब इसको सपोर्ट दिखाओ इसको कराओ ताकि ये बंदा आगे थोड़ा कर सके आप खुद मेरी घर की कंडीशन सिचुएशन देखोगे ना आप खुद रो दोगे इतनी बुरी कंडीशन है चले जी रुद्र बढ़ना चाहता है जम्मू कश्मीर का बेटा है सॉल्लाउसन है कहीं ना कहीं अपने परिवार को एक अच्छे सुविधाएं दिलवाना चाहता है क्योंकि रुद्र का ये कहना है कि कुछ साल पहले जो है पापा का साया जो है इसके सर से उठ गया कॉलेज जाना था लेकिन कॉलेज नहीं जा सका इस वक्त रुद्र भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है कहीं ना कहीं जब एक इस तरह की बातें हम सुनते हैं इस तरह की कहानी जब सुनते हैं काफ़ी ज़्यादा दुखद रहता है मैं जितने भी व्यवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट करूँगा जम्मू कश्मीर का बेटा है सन ऑफ द है बढ़ना चाहता है कलाकारी की कमी नहीं है हुनर बहुत ज़्यादा है बीट्स से जम्मू कश्मीर को नहीं बल्कि जो बीट्स इनकी हैं इस वक्त बात करूंगा हर सिटी में वो वीडियो वायरल हो रही है हर कोई उस वीडियो को देख के प्यार जता रहा है लेकिन आखिरकार एक बार रुद्र से भी पूछें रुद्र आखिरकार किन परिस्थितियों से गुजर रहा है और रुद्र क्या चाहता है रुद्र के मन में क्या है रुद्र जम्मू कश्मीर के लिए क्या करना चाहता है रुद्र आगे बढ़ना चाहता है रुद्र के दिमाग में एक सवाल है कि जनाब मुझे आगे बढ़ना है मुझे फैमिली का सहारा बनना है और मुझे जो है जम्मू कश्मीर की आवाज़ को आगे उठाना है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा इतना शेयर कीजिएगा जो इस वीडियो का रेवेन्यू आएगा हमारी ये कोशिश रहेगी जितने डॉलर से वीडियो में आएंगे रुद्र ये प्रॉमिस रहा फायर मीडिया का जितने डॉलर आएंगे लास्ट वीडियो अगर आपकी वन मिलियन की अगर ये वीडियो जितने लैक व्यू जाती है जितने इसके डॉलर आएंगे ये प्रॉमिस रहा मेरा कि उस वीडियो का सभी रेवेन्यू जो है आपको मिलेगा एक एक पाई चाहे वो यूट्यूब की बात हो चाहे फेसबुक की बात हो वो रेवेन्यू जो है आपको मिलेगा वो फाइव मीडिया आपको ऑन स्पॉट देगा आ, बस एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं अभी तक मैंने कमेंट्स पढ़ता हूँ आप याद रखना कि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ जितना प्यार दिखाओगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगी उतना मैं कर सकता हूँ इसलिए अब मैं बीट्स बॉक, बीट बॉक्स के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार गाइज देखो ये जो बीट बॉक्स है ये देखो आप बोलते होंगे ये बुम 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 ये कुछ नहीं है लिटरली मेरे को करते करते सिर्फ ये जो बेसिक्स थे ना ये लिटरली सात साल लगे मुझे सिर्फ ये चीज़ सीखते सीखते और गला मेरा इसकी वजह से डैमेज भी हुआ है जो ये इससे डैमेज हुआ है so guys, दो मैं और मोटिवेट हो सकता हूँ अब क्या कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्या ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल शेयर करो जितना सपोर्ट हो सके दिखाओ और जो सर ने बात बोली है मुझे और मोटिवेशन मिल गई है मेरे मुंह पर स्माइल आ गई है तो थैंक यू सो मच मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो मिलियंस में जाए लेकिन एक प्रॉमिस रुद्र से हमारा जरूर रहेगा और फायर मीडिया का ज़रूर रहेगा कि जनाब इस वीडियो का सभी जो इस वीडियो पे डॉलर्स फेसबुक हमें देगा या यूट्यूब हमें देगा जो भी रेवेन्यू इस वीडियो का आएगा वो रेवेन्यू सीधा जो है रुद्र के खाते में जाएगा ये रुद्र से प्रॉमिस रहा और ये ज़रूर फायर मीडिया की कोशिश रहेगी कि रुद्र को ये प्रॉमिस पूरा करके हम देंगे तब तो नमस्कार देखते रहिए फायर मीडिया और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इतना शेयर कीजिए कि रुद्र जो है कहीं ना कहीं रुद्र को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए और जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी रुद्र की बीट्स को सुना जाए और रुद्र की बीट्स को प्यार दिया जाए पीस